हेलो गाइस एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो भाई आज का सेशन रिकॉर्डेड अपलोड होगा। प्रॉब्ली आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा, आज लाइव नहीं हो पाया क्योंकि भाई सुबह गले की थोड़ी लगी पड़ी थी। मैराथन सेशंस कल और परसों दो हुए थे मेरे, लगातार हो गए थे। तो परसों कुछ 8.5 घंटे चला था, कल आई थिंक 7.5-8 घंटे कुछ चला था। तो मैं तो मस्त उचक कूद रही थी, इधर उधर घूम रही थी कि यार सही है सही है, मैराथन हो गया, मजे आ गए मजे आ गए। मतलब मैं कल तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि वाह सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इतना सही, बच्चों ने भी मस्त क्वेश्चन के आंसर्स दिए, ऑल दैट CSET का। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि भाई आज रात में रात भर भी मैराथन करवा लो, मुझसे कुछ भी करवा लो, एकदम फुल ऑफ एनर्जी। मस्त घर गई मैं सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाती हूँ, अच्छा खाना प्रेफर करती हूँ। कुछ भी मुझे सेलिब्रेट करना होता है भाई मेरे को अच्छा खिला दो। मतलब एकदम सिर्फ आदमी ही नहीं होते जिनके दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, मेरे दिल का रास्ता भी पेट से ही होकर जाता है। मस्त खाया मैंने, ठूस ठास के सो गई। सुबह सेशन था, सो के उठी मैंने, फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाकर मैंने हेलो बोला तो सिर्फ हवा निकली। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा अब मतलब एक्साइटमेंट के मारे ध्यान नहीं रखा ना, तो कायदे से घर जाके गागल्स करने चाहिए थे, थोड़ा गर्म पानी से, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, ऑल दैट। कुछ हरकतें ऐसी कर दी थी मैंने कल आउट फ्रॉम ओवर एक्साइटमेंट, तो भुगता सुबह सुबह उठ के। सुबह से फिर अब गागल्स कर करके फिर अब क्योंकि हमारा लाइव सेशन का टाइम थोड़ा आगे बढ़ चुका था, तो आई थॉट व्हाई नॉट आज का रिकॉर्डेड करके डाल देते हैं। आज का उतना ज़्यादा है भी नहीं वैसे। अगेन बहुत खुशी होगी आपको जानकर, बहुत ही कम चीज़ें हुई हैं पिछले 3 दिनों में। लास्ट सेशन में हम 28th of April तक कवर कर चुके थे, तो हम 28th April से लेके 1st May विच वॉज येस्टरडे तब तक कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है यार। ये जो सबसे पहला है ना राशकी, इन्होंने भैया ये एक ब्रांड है राशकी नाम से, इन्होंने लॉन्च किया। आई होप दैट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्योंकि मैंने भी पढ़ा ही है, मिली नहीं हूँ मैं। तो राशकी जो है ब्रांड, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर हैंड बैग्स विच आर मेड फ्रॉम बनाना। बनाना स्किन होती है ना, बेसिकली बनाना को मैश करके, उसको बॉईल करके, ऐसे करके पूरा प्रोसेस करते हैं और उसमें उससे लेदर बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ उस लेदर की होती है, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होता है। आप अगर जानते हो तो भैया लेदर दो तरीके के एग्जिस्ट करते हैं, एक तो एनिमल स्किन, काउ स्किन, शीप स्किन, कैमल स्किन, ये सबसे लेदर बनाया जाता है, इवन स्नेक स्किन ये लेदर बनाया जाता है, ओरिजिनल जिसको कहते हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल लेदर जो कि प्लास्टिक से बनाया जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि भाई पहला वाला तो ऑफकोर्स एनिमल क्रूअल्टी होता है, ठीक है, एनिमल की आप स्किन से बना रहे हो, एनिमल क्रूअल्टी होता है पहला वाला सीधा सीधा। उसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, अलग अलग टाइप का कार्बन, बेसिकली कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो होता है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसका प्लास्टिक से ही बनाया जा रहा है, प्लास्टिक कभी किसी जन्म में बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, जाके हमारे ओशियंस में, नदियों में, वाटर बॉडीज में जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, तो वो हो गया हमारा प्लास्टिक वाला। तो ये दोनों ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान एनवायरनमेंट पे पहुंचाते हैं। तो अब लोग तरीके ढूंढ रहे हैं कि भैया बायोडिग्रेडेबल लेदर हम कैसे बनाएं, तो ये भाई बहुत ही सही है। और तुमको पता है मैंने ना जब ये पढ़ा तो सीधा ये राशकी के साइट पे गई मैं, मैंने सोचा कि भैया बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं, अनशन पैसा लेंगे। ज़्यादातर टाइम तुमको अगर जनरली ऐसा होता है ना, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट हेल्दी लिविंग, बहुत महंगा होता है। मेरी मम्मी अभी रिसेंटली घर आई तो सुबह सुबह उठ के मैं तो उठी भी नहीं थी, उनको चाय पीती है वो, मेरे साथ कंपलसरी नहीं होता मतलब कि चाय चाहिए ही चाहिए, ऑफिस में आके पी लेती हूँ मैं, एंड आई जनरली प्रेफर ऐसे ब्लैक टी या लेमन टी। मम्मा को चाहिए प्रॉपर दूध वाली चाय, ठीक है। सुबह सुबह मम्मी रात में आई, उठ के सुबह सुबह उन्होंने फ्रिज खोला, भैया मेरे फ्रिज में रखा था सोया मिल्क होता है ना वीगन, और आलमंड मिल्क। मम्मी दोनों उठा के लेकर आई, मम्मी बोली ये तेरा 200 रुपये का 1 लीटर दूध है और ये तेरा 450 रुपये का आधा लीटर दूध है, इन दोनों में से चाय में क्या डालूं मैं। मुझे शायद लगा कि सोया मिल्क डाल सकते हैं, ऐसा बोल के मैं कटली वहाँ से, मेरे को अभी तक कॉल मैसेज कुछ नहीं आया है, तो या तो उनकी चाय फट गई और उनको अपनी बेटी नकारा लग गई, तो
तुमने नया दूध खरीदा होगा नॉर्मल गाय का। बट जनरली मैं ये टेंडेंसी बता रही हूँ कि अगर तुमको हेल्दी लिविंग चाहिए, हेल्दी तरीके से जीवन जीना चाहते हो, तो इट्स जनरली वेरी वेरी कॉस्टली, है ना, ऐसा होता है। तो मैंने इनके साइट पे जाके देखा, भैया 900 रुपये का बैग, हैंड बैग मतलब प्रॉपर, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत महंगा, और ना ही मैं इनकी ब्रांड को एंडोर्स कर रही हूँ, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जाके देखा वहाँ पे। इतना सस्ता बैग 900 से 2000 के अंदर आपको मस्त हैंड बैग मिल रहा है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि इन्वायरमेंट की कॉस्ट पूरी तुमसे ले ले रहे हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना है तेरे को तो पूरे पैसे तू ही दे, ऐसा भी नहीं है। वेरी 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 चीप। और इनफैक्ट आर्टिफिशियल लेदर, अगर आप रियल लेदर खरीदने चाहते हो तब तो घर वर बेचना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लेदर के ही प्राइस रेंज में है ये, तो अमेजिंग इनिशिएटिव, लोग एक्चुअली इसको खरीदेंगे, कंसिडर कर सकते हैं। तो भैया क्वेश्चन ये आ सकता है कि किन्होंने, नाम क्या है जिनने, ब्रांड का नाम क्या है जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर ऐसे हैंडबैग्स लॉन्च किए हैं जो कि बनाना से, बनाना को यूज करके लेदर बनाया उन्हें, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होता है वो, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए अगेन बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली हार्ट में खोला गया है, लॉन्च किया गया है बेसिकली, किन्होंने, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने दिल्ली हार्ट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। अब भैया हमने बहुत पहले, हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जो मुझसे पढ़ के गए हैं बच्चे उनको तो एकदम रटा हुआ होगा ये। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है 2023 को, किया है ना, तो भैया हम मिलेट्स बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मिलेट्स होता है ग्रास सीड। ग्रास सीड किस किस, बहुत सारे तरीके के ऐसे सीड्स मिलेट्स के अंडर आ जाते हैं, जैसे क्या क्या, ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रागी, और भी बहुत सारे तरीकों के, ये सब जो कॉमनली हम जानते हैं, ज्वार बाजरा सबने ही सुन रखा है, रागी बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है, कुट्टू, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं, बट ये सारे मिलेट्स में आते हैं। तो हमको हमेशा से अवेयरनेस है कि भैया मिलेट्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे नॉर्मल चावल, दाल, गेहूं के तरफ जाओ, उनको कंज्यूम करो और उनको उगाओ, उनके कंपैरिजन में मिलेट्स को उगाने में एक तो कम पानी लगता है, वाटर कंजम्पशन कम होता है, दूसरा अगर आप उसको खाते हो, मिलेट्स को खाते हो, तो उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है दूसरों के कंपैरिजन में, तो मतलब उग भी आसानी से रहा है बहुत ज्यादा, आई थिंक ऐसा कुछ भी होता है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स उसमें नहीं लगते, और तीसरा कंजम्पशन भी, खाने में भी वो ज्यादा फायदेमंद है, तो क्यों नहीं। तो इंडियंस हैव ऑलवेज बिन अवेयर, आप राजस्थान साइड जाओगे, इनफैक्ट सारे ही स्टेट्स में ये सब टाइप के, हम अलग अलग टाइप के मल्टीग्रेन आटा यूज करते हैं, हम मैदा और आटा सिर्फ प्योर बहुत ही कम घरों में खाया जाता है, मल्टीग्रेन ही होता है हमारा, ये सब चीजें मिली होती हैं उसमें, तो हमको हमेशा से पता है। इंडिया ने प्रस्ताव रखा था यूएन के सामने कि भैया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि सारे के सारे, इंडिया को तो अवेयरनेस है, बाकी दुनिया को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट ग्रेन्स होते हैं ये। तो यूएन ने एक्सेप्ट किया और यूएन ने डिक्लेयर कर दिया। अब लोगों तक कैसे ये चीज पहुंचाए कि इंपॉर्टेंट होता है, उसके ही चलते मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ, दिल्ली हार्ट विच इज इन न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। इससे क्या होगा, बेसिकली रेज करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों में अबाउट मिलेट्स, और लोगों को एनकरेज करेंगे कि भैया मिलेट्स को अपने खाने में अडॉप्ट करो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा फाइबरस है, इट इज गुड फॉर योर गट एंड स्टमक, इस चीज के बारे में ही अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्योंकि पहले जमाने में आप देखोगे ना, तो इंडियंस को ज्यादा अपने कल्चर की, अपने खाने की, ये सब की वैल्यू थी, अब हम बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। मतलब मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ, मैं खुद अगर मेरे को ऑप्शन मिले तो मैं दाल रोटी कौन खाना चाहेगा, बट खाना चाहिए, मतलब अब मुझे अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि घर से बाहर रह रही हूँ ना मैं, घर में रहते तो मम्मी देती है दाल रोटी सब्जी चावल, तुमको ऐसे लगता है ये भगवान ही जहर वापस से दे दिया, घर के बाहर रहो ना तब फिर समझ में आता है कि भैया कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, जब पूरे टाइम ही पेट दुख रहा होता है या कुछ तो वियर्ड लग रहा है, आलस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एवरीथिंग, आपकी पूरी बॉडी कैसे चलेगी डिपेंड्स ऑन योर गट, गट आपका कैसा है, इफ इट इज हेल्दी अमेजिंग, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आपको पता है बहुत सारे रिसर्च पेपर में ये भी आया है कि गट हेल्थ पे आपका बहुत ज्यादा मेंटल स्टेट भी डिपेंड करता है, पेट वेट खराब है, गट में खराब बैक्टीरियाज है जो कि जंक और ये सब खाने से आते हैं, तो देर इज अ हायर टेंडेंसी ऑफ यू फॉलिंग इन डिप्रेशन, दिस इज अ ह्यूज रिसर्च एंड दिस इज सर्टिफाइड नाउ, मतलब ये लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर रिसर्च चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी के बारे में अवेयरनेस। और भैया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है, उसी के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स हम इंडिया को बनाना चाहते हैं, ग्लोबल हब, कोई मिलेट्स के बारे में बातचीत करे, सोचे, कुछ भी करे, मिलेट्स आए तो मतलब इंडिया,
का नाम दिमाग में आना चाहिए, ग्लोबल हब। और आपको अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिलेट्स को इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या नाम दिया, मतलब उनने स्पीच में मिलेट्स को किस नाम से एड्रेस किया था, क्या नाम बोला था, तो मिलेट्स को बोला था श्री अन्न, मतलब एकदम गॉड लेवल, हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाला अन्न, श्री अन्न। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट भैया, दुबई के एयरलाइन एमिरेट्स, बहुत ही ज्यादा रईस एयरलाइन होती है ये, उन्होंने पहला दुनिया का फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस लॉन्च किया। यार ये टेंडेंसी मैंने जनरली देखी है, कोई भी रोबोट लॉन्च करते हैं, कोई एआई नया लॉन्च करते हैं, ये सिरी एलेक्सा ये सब देख लो भाई, सब लड़कियों के नाम पे, लड़कों को कोई पसंद ही नहीं करता। मतलब तुम यहाँ देखो इसका नाम क्या है, सारा, अब सारा बोल लो, सैरा बोल लो, हम सारा बोलते हैं इंडिया में क्योंकि हमारी सारा अली खान है भैया, बाहर जाओगे यूएस में सैरा बोलते हैं, तुम कुछ भी बोल लो, लड़की है ना। यहाँ पे साहिल लॉन्च कर देते तो शायद लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा की जगह साहिल होता ना तो लोग बोलते हैं अच्छा साहिल है छोड़ फिर हम अपना काम खुद कर लेंगे, जब सारा है ना या सैरा है ना तब लोगों को लगता है कि ओ चल चल के देखते हैं। और कुछ ऐसा नहीं, रोबोट है मतलब लड़की कहीं से नहीं, उसको तुम कुछ डब्बा बुला लो उसको कि डब्बा इधर आ। बट जनरली ये देखा है मैंने, टेंडेंसी देखी है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ रिसर्च हुआ है ये वो, कुछ भी ऐसी चीज होती है ना उसको अट्रैक्ट करने के लिए ना ज्यादा टाइम लड़कियों के नाम पे रखते हैं। शिप्स बड़ी बड़ी, टाइटैनिक और भी बहुत सारी, अब तो और बड़ी बड़ी क्रूज शिप्स हो गई, हमेशा किसी ना किसी मस्त बहुत ही बढ़िया लड़की के नाम पे होगा। ट्रेन बोलते हैं जाती है आती है, पता नहीं क्यों ये है टेंडेंसी, लेकिन यहाँ पे मेरे को फॉर अ फैक्ट पता है कि ये सारा की जगह साहिल होता लोगों को उतना अट्रैक्शन नहीं होता, पढ़ने का भी मन नहीं करता शायद, ये अब लड़कों की बुरी किस्मत है थोड़ी, बट चलो ये टेंडेंसी बता रही हूँ मैं, मैंने भी नोटिस किया, शायद आप में से किसी ने नोटिस की होगी, अगर की है तो प्लीज मुझे बताइए कि ऐसा सही में होता भी है कि नहीं। तो ये क्या करेगा भैया, आप अगर इसको गूगल करके देखोगे ना, लिटरली डब्बा है, एक रोबोट है, ठीक है, ऐसे शक्ल तक नहीं है उसकी, कुछ मेटल का डब्बा है, वो रोबोट आपको 24 घंटे पहले एयरपोर्ट में चेक इन करना है, चाहे 4 घंटे पहले चेक इन करना है, पूरा आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, चेक इन कहाँ करना है आपको स्कैन करके पूरा आपका सब कुछ कर देगा, कस्टमर्स के फेसेस को स्कैन करके, पासपोर्ट स्कैन करके पूरा चेक इन करवा देगा आपका, और आपको गाइड कर देगा कि भाई आपका बैगेज ड्रॉप कहाँ पे है, सब कुछ। तो आपको चाहे 24 घंटे पहले चेक इन करना है, चाहे 4 घंटे पहले फ्लाइट के, आप सब कर सकते हो ईजी आपके टाइम और कन्वीनियंस के हिसाब से। अभी क्या होता है, हम इतना पहले नहीं कर पाते चेक इन, और एकदम लेट भी नहीं कर पाते है ना, तो ये अगेन कस्टमर्स के लिए चीजें इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी एयरलाइंस है जिन्होंने सारा नाम के एआई या रोबोट या जो भी बोल लो उसको, रोबोट, क्योंकि ये दुनिया का फर्स्ट है तो वेरी इंपॉर्टेंट, चेक इन असिस्टेंस लॉन्च किया है, तो इट इज दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट भैया, क्वाड समिट, क्वाड हमको नाम से ही समझ में आता है, कैसे, कोई भी चीज यूनी होती है मतलब वन, डुओ होता है मतलब टू, ट्राई ट्रायो ट्राई ऐसे कुछ भी होता है तो थ्री, और चार को बोलते हैं क्वाड। क्वाड से हमको समझ में आ गया कोई तो चीज होगी चार, क्वाड समिट हो रही है कंट्रीज की होगी, तो कौन सी चार कंट्रीज, चार कंट्रीज हैं हमारी, एक तो इंडिया हो गई। आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया क्वाड समिट में या क्वाड में, क्वाड लीडर्स जो हैं चार, उसमें इंडिया पार्ट है कि नहीं, यस नो ऐसे करके ऑप्शंस आ गया। तो भैया सबसे पहली बात, इंडिया पार्ट है, चार अलग अलग कौन कौन है, पहले एक तो होस्ट कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, तो ऑस्ट्रेलिया हो गई पार्ट, दूसरा कौन कौन अटेंड कर रहे हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन अटेंड कर रहे हैं, जापान के प्रेसिडेंट फूमियो किशिदा अटेंड कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ये हो गए चार कंट्रीज हमारे। कौन कौन से कंट्रीज पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और हमारी कंट्री इंडिया, ये चार मिलके क्वाड बनाते हैं। क्वाड बोलते थे ना मैथ्स में पढ़ते थे, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा शेप जिसके चार साइड्स हो, क्वाड एनीथिंग फोर, ठीक है। यहां से हमको क्लियर हो गया भैया क्या कर रहे हैं समिट में, होस्ट करके
क्या करना चाहते हैं, क्वाड बनाया क्यों है ये चार का झुंड. दे आर कमिटेड टू सपोर्ट एन ओपन स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक दैट इज रिस्पेक्टफुल ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंश्योर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल. सारे के सारे मिलके तरक्की करें, सबकी सिक्योरिटी रहे और सबका जो खुद का इंडिपेंडेंस है, सॉवरेनिटी है टू ईच देयर ओन, वो मेंटेन रहे. इसी चीज को भैया हमको और कुछ नहीं अचीव करना, हमको सुख शांति जो चल रही है, और जो नहीं चल रही है वो चलनी चाहिए, बट जो चलती आ रही है उसको और बढ़ावा देना है. सुख को, शांति को, प्रोस्पेरिटी को, सिक्योरिटी को, उनको बढ़ावा देना है. और जहाँ शांति नहीं है वहाँ शांति इंश्योर करनी है. इतना ही चाहिए हम चार क्वाड को, ठीक है. चलो नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन. पिछले चार पांच दिन में बहुत सारे हुए हैं और बैंक्स के ही हुए हैं, और आपको सीधा क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि LIC का कौन नए अपॉइंट किए गए हैं. ऐसे सीधा बैंक्स पे तो आ ही जाता है कई बार, तो बोलते हैं मैम फाइनेंशियल न्यूज आ गए. नहीं भैया, ये अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. तो कौन है, मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती. और सीधा नाम ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें डिटेल में घुस के पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सीधा नाम याद रखो कि कौन अपॉइंट किए गए हैं. बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बॉडी है जहां पे अपॉइंट किए गए हैं, तो ये याद रख लो कि किसकी जगह पर, मतलब उनके पहले कौन रिटायर हुआ है, जिनकी जगह वो आए हैं. वो नहीं याद रह रहा कोई बात नहीं, नाम अभी कौन नए अपॉइंट हुआ है उनका याद रखो. ज्यादातर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपॉइंटेड एज LIC के न्यू चेयरमैन हु हैज बीन अपॉइंटेड, मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती. बस ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाल दी कि कई बार स्टोरी फॉर्म में पढ़ो, स्टोरी पढ़ लो उनके लाइफ की कि भैया कहाँ से ग्रेजुएट है, क्या किया है, इससे पहले कहाँ काम करते, तो बच्चों को याद रह जाता है. क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ इतना है, ठीक है. चलो नेक्स्ट, अगेन BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया, इन दो बैंक के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं. कौन, देवदत्ता चंद. मिस्टर देवदत्ता चंद हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया. खत्म क्वेश्चन, इतना ही पूछा जाएगा. और इनका तो नाम भी बहुत अनोखा है, चांद. आई थिंक इट्स चांद नॉट चंद, बट डबल ए आना चाहिए, बट चलो इंडियन में नाम्स. मिस्टर देवदत्ता चांद, ठीक है. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा. इनके पहले कौन रिटायर हुआ है भैया, मिस्टर संदीप चड्डा, ये रिटायर हुए हैं. ही हैज रिटायर्ड और इनकी जगह पे मिस्टर देवदत्त चांद आए हैं. नेक्स्ट, अगेन मैंने बोला ना इस बार बैंक्स के बहुत सारे हैं. मिस्टर N कामाकोडी हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD व्हिच इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO. जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO एक ही इंसान को बनाया जाता है. MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक. किसने अपॉइंट किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. भैया हमारे बैंकों का बैंक, हमारे सारे जो कंट्री के बैंक है उनका बाप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उनने अपॉइंट किया, रादर रीअपॉइंट किया है, पहले भी यही थे, इन्हीं को रीअपॉइंट किया है. तो ये तो सबसे आसान हो गया, इसमें पिछले वाले का नाम रखना रटना भी जरूरी नहीं है. इसी वाले का नाम याद रख लो, मिस्टर N कामा कोडी. कौन सा बैंक, सिटी यूनियन बैंक. दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, एक नंबर मिल गए. आगे अवार्ड्स, वेरी 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 इंटरेस्टिंग. नीली बेंडापुड़ी, शी हैज रिसीव्ड इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड. अब भैया ये US में अवार्ड दिया जाता है इमिग्रेंट अचीवमेंट, किस चीज के लिए, कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टूवर्ड्स क्या, इस चीज का कि भैया अमेरिका का जो हेरिटेज है, उनका जो धरोहर है उनका जो धरोहर है, हेरिटेज है, क्या है कि वो अपने आप को बोलते हैं वी आर वेरी वेरी इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री. इमिग्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर आप सीधा सिंपल भाषा में समझो, इमिग्रेंट्स वो सिटीजन होते हैं जो अपने देश को छोड़ के किसी भी रीजन से, हो सकता है उनके देश में वॉर हो रहा हो सकता है उनके देश में एम्प्लॉयमेंट ना हो सकता है उनके देश में नौकरियां ना हो, खाना ना हो, घर ना हो, जगह ना हो, किसी भी रीजन से उतनी तरक्की के स्कोप ना हो, किसी भी रीजन से अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, काम करने लगते हैं, वो उस दूसरे देश के लिए कहलाने लगते हैं इमिग्रेंट. बेसिकली जहाँ के वो नेटिव नहीं है, जहाँ के वो बिलोंग नहीं करते, जिस जगह से, वहां जाके वो रहने लगते हैं, बस जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, उस जगह के लिए वो हो गए इमिग्रेंट. बहुत सारी कंट्रीज होती हैं वो बोलती हैं भैया हम नहीं संभाल सकते, हम अपने बच्चे संभालेंगे, पड़ोस के बच्चे. अमेरिका अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउडली बोलता है कि वी आर अ वेरी वेरी इमिग्रेंट फ्रेंडली नेशन. तो ये अपना धरोहर मानता है, वो हेरिटेज मानता है. इसी हेरिटेज के लिए जो प्रमोट करता है इस हेरिटेज को, जो इस हेरिटेज को आगे बढ़ावा देता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है. इतना हम समझ चुके किसको अवार्ड मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कौन है ये, नीली बेंडापुड़ी, ठीक है. शी इज एन इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट. कहाँ की,
पेन स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक मेरे कजन भी पढ़े हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, यहाँ की इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट है ये। इनफैक्ट शी इज द फर्स्ट वुमन, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई वुमन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, हम इंडियंस वहां पे पर्सन ऑफ कलर कहलाते हैं, ठीक है, बेसिकली डार्क कलर को बोल देते हैं पर्सन ऑफ कलर, उनसे ज्यादा डार्क कोई भी निकला तो पर्सन ऑफ कलर। तो फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऐसी हैं जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी है। तो अगेन वहां पे भी उनने बहुत ही बड़ा झंडा गाड़ा था और अब ये अवार्ड भी उनको मिल चुका है। क्या नाम है? नीली भेंडापुड़ी। ओके, और नेक्स्ट भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दलाई लामा, जो इंडिया में ही बसे हुए हैं, कब से? जब से टिबेट से उनका एग्जाइल हुआ था। बहुत टिबेट और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा था, कभी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब से दलाई लामा टिबेट को छोड़ के इंडिया में ही रहते हैं। मैं एक बार गई थी धर्मशाला, तो वहां पे उस टाइम पे उनका कुछ प्रवचन मॉनेस्ट्री में चल भी रहा था, तो मैंने बहुत दूर से देखा था, बट देखा था। तो उनको रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। अब रामन मैग्सेसे अवार्ड ना, आप अगर जानते हो, एनडीटीवी के पहले, एनडीटीवी में जो हुआ करते थे, बेसिकली एनडीटीवी उन्हीं के नाम से जाना जाता था, ऑल्दो ही वॉज अ जर्नलिस्ट, रविश कुमार, सुना होगा आपने, नहीं तो आपके मम्मी पापा ने तो सुना ही होगा। उनको भी ये रामन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, या रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। क्यों दिया जाता है? आप अगर दिल से, फ्रॉम योर स्पिरिट, एशियन लोगों के लिए, एशियन पीपल के लिए कुछ बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं, या उनके भले के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आप कुछ करते हैं, फॉर द स्पिरिट ऑफ एशियन पीपल, एशियन पीपल यहाँ पे कीवर्ड है, तो आपको ये अवार्ड मिलने के चांसेस होते हैं। बेसिकली यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड, ठीक है, नॉट फॉर द एंटायर सोसाइटी, नॉट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एशियन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो मिस्टर रामन मैग्सेसे थे ना, ही बिलोंग टू फिलीपींस, ठीक है, यहाँ के सिटीजन थे वो, वेरी फेमस। तो एशियन लोगों के लिए अगर आपने कुछ बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, कुछ उनके भले के लिए किया है, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। भैया दलाई लामा तो उन्हीं के भले के लिए करते आ रहे हैं हमेशा से, सिंस ही हैज बिन नोन, उनका नाम जब से हुआ है तब से एशियन लोगों के लिए, इनफैक्ट वो सबके लिए करते हैं, बट समहाउ ऐसा हो गया है कि एशियंस को ज्यादा फायदा पहुंचा है, तो इसलिए उनको ये रामन मैग्सेसे अवार्ड, वेरी 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 प्रेस्टिजियस एंड इंपॉर्टेंट अवार्ड। अब 68 फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2023, हम भैया दो तीन फिल्म तो गेस कर सकते हैं, और दो तीन एक्टर्स भी गेस कर सकते हैं किसको मिला होगा, ठीक है। बेस्ट फिल्म मिला है सीधा किसको? गंगूबाई काठियावाड़ी, ये हम गेस कर सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस भी गेस कर सकते हैं, आलिया भट्ट, गंगूबाई। इस साल जहां भी, जिस भी अवार्ड में बात हो रही है, गंगूबाई गंगूबाई की बात हो रही है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स किसको मिला? बधाई दो, बधाई हो नहीं, बधाई दो। और अभी जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी चल रही है, सुनवाई, यही मूवी, इसी मूवी से रिलेटेड देखना, ये मूवी अगर देखी नहीं है तो। इट इज ये मूवी भी अपने तरीके से, इट ट्राई टू रेज अवेयरनेस फॉर द राइट्स ऑफ LGBTQ+ पीपल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में उसी से रिलेटेड पिटिशन चल रही है। दिस मूवी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल का किसको मिला है भैया? राजकुमार राव, अगेन फॉर दैट मूवी ओनली, बधाई बधाई दो। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स संजय मिश्रा फॉर वध, ये मैंने देखी नहीं है बट अब मैं देखूंगी। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस क्रिटिक्स तबू को फॉर भूल भुलैया, भैया ये हमने थिएटर में देख ली, मेरी बात गांठ बांध लो, कभी जिंदगी में डरावनी मूवी थिएटर में देखने पहुंच मत जाना। मतलब जब वो हम टीवी में देखते हैं ना डरावनी मूवी, हमारे पास ऑप्शन होता है बंद कर लो, ये बंद कर लो, म्यूट कर दो, कान बंद कर लो, कुछ भी ऑप्शन तो होता है भैया, वो थिएटर में क्या म्यूट करोगे तुम, तुम्हारे मुंह के आगे चुड़ैल बैठी है, और वो एकदम जंप स्केयर कराते हैं ना ऐसे करके, एकदम से मुंह घुमा के जंप स्केयर वो कराते हैं भैया, 1 सेकंड को तो उसका एकदम से चुड़ैल का मुंह सामने आया, मेरी आत्मा निकल के बाहर बैठ के मेरे से पूछ रही थी कि पागल है तू, क्या करना क्या चाह रही हो तुम, मरना है तो जाके ट्रेन के नीचे खड़ी हो, ये क्या तरीका है ये अटैक देने का खुद को। नेवर अगेन, डरावनी मूवी कभी कभी नहीं देख रही हूँ मैं थिएटर में। और ये तो फिर भी बॉलीवुड थी, उतना ज्यादा मतलब बॉलीवुड भी डरा लेता है अच्छा खासा, लेकिन कुछ कुछ हॉलीवुड या बाहर की मूवीज तो भैया। तो भूमि पेडनेकर और तब्बू को दिया गया है, भूमि पेडनेकर अगेन फॉर बधाई दो। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल और बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में अनिल कपूर और शीबा चड्ढा, ठीक है। अब डेब्यू वेब्यू उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी एक बार देख लेना। बेस्ट फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है एक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मिस्टर प्रेम चोपड़ा को मिला है।
ठीक है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बेस्ट डायलॉग स्क्रीन प्ले लिरिक्स पूछे जा सकते हैं अमिताभ भट्टाचार्य फॉर केसरिया। अगर आप विकास सर से मिले और उनको जानते हैं तो आप उनको यही गाता हुआ पाएंगे, ठीक है। और प्लेबैक सिंगर अगेन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स नहीं होते, एक बार देख लेना। सपोर्टिंग मेन ही पूछा जाता है ज्यादातर टाइम एग्जाम में। और लाइफ टाइम अचीवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेन से भी ज्यादा। नेक्स्ट भैया, बुक्स एंड ऑथर्स में क्या हुआ है, अमिताव घोष वेरी वेरी फेमस ऑथर, उनका द सर्कल ऑफ लाइफ ऐसे कुछ करके बुक का नाम था एक, वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। नहीं, द सर्कल ऑफ समथिंग तो थी, मैंने, मेरी एक फ्रेंड पढ़ रही थी, मैंने भी थोड़ी सी पढ़ी थी, पूरी कंप्लीट नहीं की थी। सर्कल ऑफ समथिंग, नॉट लाइफ, समथिंग था। अमिताव घोष वेरी 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 फेमस ऑथर, उनकी बुक रिलीज हो रही, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है जो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, तो ही हैज़ वन दैट अवार्ड ऑलरेडी पहले, तो ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनकी नई नॉन फिक्शन बुक स्मोक एंड एशेस रिलीज हो रही है, तो ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है, ये स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। ओपियम क्या होता है भैया, एक तरीके का ड्रग होता है, ठीक है, उसके ऊपर उनने बुक लिखी है। तो इस बुक को किसने लिखा है, या इस ऑथर मिस्टर अमिताव घोष ने कौन सी बुक लिखी है जो रिसेंटली रिलीज हुई है, ये दोनों तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बोला भी था कि जो लोग एग्जाम अभी रिसेंटली दे रहे हैं वो क्या करें, कि भैया एक लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस बना लो। कहाँ बाजू में, तो इसके बाद आऊं? हाँ, तो भैया इसके बाद क्या बोल रही थी मैं, हाँ, जिन लोगों का एग्जाम है लिस्ट बना लो। और भैया अगले साल जो एग्जाम दे रहे हैं ना, लॉ का तुम्हारा एग्जाम अगले साल है, कोई भी एग्जाम है, लिस्ट ऐसे बना लो कि इंडिया और दूसरी कंट्री मिलके बहुत बार बायलेटरल एक्सरसाइज करती हैं, बहुत बार मल्टीनेशनल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बहुत सारी कंट्रीज मिलकर करती हैं, ठीक है। उन केसेस में हम एक लिस्ट बना लें कि कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ कर रही है, किस तरीके की एक्सरसाइज है, और लास्ट कॉलम में उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। वो रिवाइज करने में तुमको चुटकियों में रिवाइज होगा, बजाय इसके अगर तुम ये करोगे हर महीने का पढ़े जा रहे हैं, तो इंडिया और यूएस ने यार वो एक्सरसाइज की थी, उसका नाम था युद्धाभ्यास, लेकिन अभी फिर इंडिया और यूएस कर रहा है, उसका नाम कुछ और है। भैया वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी, सॉरी वो आर्मी की एक्सरसाइज होगी, यहाँ एयरफोर्स की कर रहे होंगे, तो नाम अलग अलग होगा, वो तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उससे बेटर है लिस्ट इस तरीके से अभी से मेंटेन करो, अगले साल एग्जाम देना है तो अभी अभी से मेंटेन करो। क्या मजा आएगा रिवाइज करने में, लास्ट में ना दूसरों की मरी पड़ी रहेगी, तुम रिवाइज कर रहोगे मस्त बैठ के पेज पलट पलट के, ठीक है। ये बात मेरी मान लो, बस एक बात मानो और यही मान लो। तो इंडिया और ये बायलेटरल मतलब दो लोग मिलके कर रहे हैं, दो कंट्रीज मिलके बायलेटरल दो, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कौन कौन कर रहे हैं, इंडिया और यूके, किस तरीके की एक्सरसाइज है, ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और उसका नाम क्या है, अजय वॉरियर, ठीक है। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस इतना सा, कि कौन दो कंट्री कर रही है, नाम क्या है, किस तरीके की एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो हमको दो कंट्री मिलकर कर रही है तो हमको ऑलरेडी पता चल जाएगा इट इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज। तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया ये अजय वॉरियर 2023 व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज वॉज इट, सो इट वॉज अ बायलेटरल एक्सरसाइज। बस इतना करो, एक जगह लिख के रख लो, बहुत आसानी से रिवाइज होगा सब कुछ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में, सबसे पहले तो वर्ल्ड डे 28 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। दिस डे इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड रिड्यूसिंग ऑक्यूपेशनल डिजीजेस एंड एक्सीडेंट्स वर्ल्ड वाइड। ऑक्यूपेशनल फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते हैं, उससे रिलेटेड डिजीजेस, उससे रिलेटेड डिजीजेस हो गई हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट्स हो गए फैक्ट्री में, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारे लिए दिन में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तीन चीजें, किस दिन 28 अप्रैल क्या मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, और तीसरा उसका थीम क्या है इस साल का। हर साल अलग अलग थीम होता है, इस साल का थीम है सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। गुड टू गो, चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड डांस डे भैया, डांस, और 29 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे एक और दिन 29 अप्रैल को मनाया जाता है विच इज वर्ल्ड वेटरिनेरियन डे। वेट जिनको हम बोलते हैं वेटरिनेरियंस, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेट 29 अप्रैल को वो भी मनाया जाता है, तो वो भी अब लिख लेना, यहाँ पे आपका इंक्लूडेड नहीं है मुझे अभी याद आ गया क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, 29 अप्रैल को वो भी मनाया जाता है। जिनका कोई डांस से लेना देना नहीं है उन दोनों का एक ही दिन, ठीक है, वर्ल्ड डांस डे उसका। और जरूरी नहीं है हर बार थीम हो,
कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जिनका कोई उस साल का थीम नहीं होता. तो जैसे वर्ल्ड डांस डे का कोई थीम नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव क्या, प्रमोट द आर्ट ऑफ डांस एंड रेज अवेयरनेस ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड. भैया ये वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं. मैं तुमको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ, जिनको डांस नहीं भी आता, जरा सा लो फील हो रहा है, थोड़ा सा भी डिप्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार क्या कर रहे हैं लाइफ में, गाना बजाओ और मेरी मानो तो पंजाबी गाना बजाओ, एकदम ढें ढें वाला पंजाबी गाना, और नाचो, कमरा बंद करके नाचो. अगर तुमको शर्म आती है ना कि मैं अच्छा डांस नहीं करता, कूदो अपनी जगह. जिनको डांस करना नहीं आता, तुमको मटकना जरा भी नहीं आता, कुछ भी नहीं करना आता, हाथ ऐसे करो, एक जगह खड़े हो और ऐसे ऐसे करके बस कूदो, मार्क माई वर्ड्स, तुम्हारा 2 मिनट के अंदर जो लो फील कर रहे हो चला ना जाए, तो इंस्टेंट सेरोटोनिन रिलीज, इंस्टेंट. शिव जी खुश होते थे तब भी डांस करते थे, सिर्फ तांडव ही नहीं करते थे, खुश होकर भी डांस करते थे वो. मेरा भाई है, वो बहुत एक फनी चीज बोलता है, वो बिल्कुल डांस नहीं करता एंड ही इज एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट. तो एक बार वो बोल रहा था, और मैं आई एम एन एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट, मतलब मैं बचपन में मम्मी से पिटी हूँ कि दुकानों के बाहर खड़े होकर गाना बज रहा है चिकनी चमेली, तो अपन ने कर दिया चिकनी चमेली का स्टेप, और मम्मी दिया पीछे से कि भैया चलती रोड में, रोड अपन क्रॉस कर रहे हैं, दुकान पे गाना बज रहा है, तुम चिकनी चमेली कर रही हो रोड के बीच में. मेरा अब डांस निकल आता था, मैं निकालती नहीं थी, मेरा निकल आता था ऑटोमेटिकली डांस. मेरा भाई एग्जैक्ट ऑपोजिट. तो एक दिन मैं डांस कर रही थी ऐसे खड़े खड़े, टीवी पे कुछ बज रहा था, तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आता कोई इंसान कभी भी जिंदगी में इतना खुश कैसे हो सकता है कि वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी लगा के अपनी खुशी दिखाए. मुझे इतना सही चीज लगी वो कि भैया एक्चुअली डांस यही है, डांस में आप अपनी खुशी दिखा रहे होते हो, सिर्फ अपने शक्ल से नहीं, सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, सिर्फ अपनी स्माइल से नहीं, यू आर यूजिंग योर इंटायर बॉडी टू शो दैट यू आर हैप्पी, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी यू विल गेट हैप्पी, मार्क माई वर्ड्स. नहीं आता तुमको डांस, कुछ भी करो, एक टांग पे खड़े होकर नाच लो, कूद लो, करके देखना कभी जब लो फील हो रहा हो, ठीक है? 29 अप्रैल वर्ल्ड डांस डे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. बहुत ही कम था मैंने बोला था, वील मीट अगेन ऑन दी अपकमिंग, आज क्या था, ट्यूजडे, सो ऑन दी कमिंग फ्राइडे. अब फ्राइडे वाला सेशन लाइव होगा, फाइनल टाइम भी डिसाइड हो चुका है, अभी थोड़ा इधर उधर हो रहा था, फाइनल टाइम डिसाइड हो चुका है, जो आपको रील में किसी या कहीं पोस्टर में पता चल जाएगा, बट मैं आपको यहां भी बता देती हूँ, इट विल बी 11. पूरा साल हम 11 बजे मिलने वाले हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे को. ओके गाइज, आई सी यू अगेन वेरी वेरी सून, एंड दिस टाइम लाइव, सो आई होप टू सी यू एज वेल. ठीक है, चलो, आई सी यू, बाय बाय.